प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय रेलवे यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जन आंदोलन चला रहा है। इसी के तहत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जन आंदोलन कोविड-19 की शुरुआत की गई। इंदौर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को रेलवे अधिकारी और कर्मचारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर घूमे। स्टेशन पर यात्रियों को अनाउंसमेंट करके भी समझाइश दी जा रही है, साथ ही यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई। मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरों को हमेशा ध्यान रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, अभी भी उसकी रफ्तार कम नहीं हुई है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय रेलवे पे सभी से एक आह्वान किया गया है, एक जन आंदोलन की तरह इसको चलाया जा रहा है। तो आज जन आंदोलन कैंपेन कोविड-19 के तहत हम लोगों ने सबको शपथ दिलाई है। इसके तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से कोविड से हम बच सकते हैं यात्रा के दौरान और यात्रा स्टेशन पे और या स्टेशन के बाहर। तो उसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है। तो उसके तहत आज हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक साहब ने शपथ दिलाई है और सबको जागरूक किया है कि आप जागरूक रहें और कोविड-19 से बचें। यही इसका मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर बनाए रखें। इसके साथ में हम लोगों ने अनाउंसमेंट के द्वारा भी लोगों को बता रहे हैं और पोस्टर और बैनर के द्वारा भी लोगों को समझाइश दी जा रही है। ये कब तक के चलेगा आयोजन? इस तरह का शपथ ये जो कैंपेन है वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जब तक इस कोरोना की पकड़ इस पूरे हिंदुस्तान में है, हम लोग इससे बिल्कुल बाहर करना चाहते हैं। कोविड से हम लोग फ्री होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, लोगों को समझाइश दे दे के उनको बचाना चाहते हैं। तो रेल यात्रियों को, क्योंकि रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रेन एक ऐसी जगह है जहां पे बहुतायत में लोग आते हैं और कोई भी कोविड का मरीज़ लोगों को ज़्यादा संक्रमित कर सकता है, तो उनको बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है।